नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर। आज हमारी चर्चा में खास विषय रहेगा प्रेम संबंधों को लेकर, यानी कि प्रेम संबंधों पर आज क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। साथ ही हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर, क्या कहती है आपकी राशि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको विशेष रूप से रखना है ध्यान। इन्हीं सब बातों को लेकर आज बात होगी हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ स्काइप के जरिए लाइव जुड़े हुए हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि क्या कहता है आज का पंचांग। देखिए, आज 29 जनवरी 2021 शुक्रवार का दिन है जी। और विक्रम संवत 2077, शक संवत 1927 और वर्तमान में जो हिजरी सन चल रहा है वो 1442 है। आज माघ मास आज से प्रारंभ हो गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी हम बात करना चाहेंगे, हमारे सभी मित्र जो हमारे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं वो राहु काल जानना चाहते हैं, तो आज राहु काल प्रातः काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। तो राहु काल के दौरान जितने भी शुभ कार्य हैं उनको हम ना ही करें वो ज्यादा बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज जो ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों की जो स्थिति है वो भी हमारे सभी दर्शकों को हम बताते हैं। आज सूर्य ग्रह मकर राशि में है, चंद्रमा आज कर्क राशि में गोचरत है, वहीं मंगल ग्रह की हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह आज इस राशि में है। बुध मकर राशि से आगे निकलकर कुंभ राशि में चला गया है, वक्री और वर्तमान में थोड़ा अस्त भी है, तो जिसके चलते बुध का शुभ प्रभाव जातकों को नहीं मिल पाएगा। गुरु ग्रह मकर राशि में गोचरत है, शुक्र भी मकर राशि में है, शनि भी मकर राशि में गोचरत है और राहु वृषभ राशि में है और केतु क्रमशः आज वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो ये आज का पंचांग है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आज हमारा खास कार्यक्रम प्रेम संबंधों को लेकर है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आजकल प्रेम संबंधों से जुड़े प्रश्न हर किसी ज्योतिष के सामने रखे जाते हैं। हर युवा जानना चाहता है कि उसका जीवन साथी उसके लिए कैसा रहेगा, तो पंडित जी बताइए इसके बारे में कुछ। देखिए, प्रेम संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे देश का बड़ा प्राचीन विषय है जी। प्राचीन काल में भी प्रेम संबंधों में जातक जुड़ते थे, राजा और रानी, और बहुत सारी चीजें होती थी। कई बार हमने बहुत सारी कथाओं को सुना है कि अमूमन राजा को किसी से प्रेम हो गया और उन्होंने प्रेम संबंधों में भागकर शादी की। ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह प्राचीन काल में कहा जाता था। आज के दौर में भी प्रेम संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो नए बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज में किशोर वय अवस्था में होते हैं अमूमन एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है और आकर्षण जब पैदा होता है तो कहीं ना कहीं प्रेम के जो अंकुर है वो मन में फूटने लगते हैं और मन में फूटते हैं, कई बार प्रेम संबंध बहुत चिरस्थायी हो जाते हैं, यानी आगे बढ़ जाते हैं, जीवन भर उनके बीच में प्रेम बना होता है, वो विवाह भी कर लेते हैं। कई बार प्रेम संबंध बहुत कम समय के लिए होते हैं, थोड़े समय का एक आकर्षण होता है और फिर उसके बाद कोई दूसरा उनको मिलता है, चाहे वो युवक हो या युवती हो, तो वो अन्य लोगों के प्रति आकर्षित होकर आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रेम संबंध उसमें स्थायी नहीं रह पाता, यानी स्थायित्व का भाव बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मन फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा से भर जाता है, कई बार किसी का दिल टूट जाता है। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ फिल्म संगीत में दिल टूटने के गाने बहुत सारे बने हुए हैं, तो वो एक प्रकार से जिसको कहा जाता है कि वो परेशानियों के दौर में जीने लगता है और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में या उस निराशाजनक भाव में आकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये प्रेम संबंधों का एक बहुत लंबा विषय है और ज्योतिष में प्रेम संबंधों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो हम आज अपने दर्शकों को प्रेम संबंध को ज्योतिष के नजरिए से आप कैसे देख सकती हैं ये बतलाने का प्रयास करें। बिल्कुल पंडित जी, प्रेम हम सबके जीवन में बहुत ही महत्व स्थान रखता है। इसी के साथ हम राशियों पर भी क्योंकि आज चर्चा करने वाले हैं, हम सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। देखिए, शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले जातकों की।
तो आज मेष राशि वाले जातकों का जो दिन है वो थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है। देखिए चंद्रमा का जो गोचर है, चंद्रमा आज कर्क राशि में गोचर रहते हैं, तो समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितने भी आपके अनावश्यक कार्य हैं उनको आज आप टाल दें। मन आपका आज अप्रसन्नता से भरा रहेगा और जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें। प्रेम संबंधों को लेकर चर्चा हो रही तो आज प्रेम संबंधों से भी बचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है। समय आपके पक्ष में पूरी तरह से बना हुआ है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आज आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ बना हुआ है। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहेगा, तो मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बहुत साधारण सा है। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। बिना वजह आप लोगों से विवाद कर सकते हैं। घरेलू कार्यों को लेकर भी परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रही हैं, तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर है, तो आज आप अपने पार्टनर से यदि मिलने जा रहे हैं तो कोशिश करें आज दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कहता है आज का दिन बताइए जरा। बिल्कुल, मैं कर्क राशि वाले जातकों से शुरुआत कर लेता हूं। तो आज कर्क राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार बना हुआ है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। काम काज में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है और खास तौर से किसी नजदीकी मित्र या परिजन से आज आपकी मुलाकात आपको बहुत सुंदर लाभ देने जा रही है। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, तो आप आज के अच्छे दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम चर्चा कर लेते हैं, अगली राशि है सिंह राशि। अगली राशि है सिंह राशि। तो आज सिंह राशि वाले जातकों का जो दिन है वो थोड़ा सा कमजोर है। मन आप प्रसन्न बना रहेगा। कामकाजी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मन अनावश्यक तनाव से ग्रस्त रहेगा, परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें। कल की सुबह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है कन्या राशि। तो कैसा रहेगा कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कन्या राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया रहेगा। कामकाजी चिंता आपकी दूर होगी। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। धन संबंधी कार्यों को लेकर यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसमें आपको लाभ होगा आज का दिन। प्रेम संबंधों के लिए आपका बहुत शुभ साबित होगा। यदि आप अपने पार्टनर से आज मिलने जा रहे हैं तो पार्टनर आपसे आज बेहद खुश होगा। एक गुलाब या कोई भी आप उसके लिए उपयुक्त जो उसको पसंद हो वो लेकर जाएं। निसंदेह आपसे और उत्साहपूर्वक मेल मिलाप अवश्य होगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि अभी हमने बात की मेष वृषभ मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और इसी के साथ हमने बात की कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए क्या खास लेकर आया आज का दिन। इसी के साथ हमारे ये जो खास चर्चा चल रही है वो प्रेम संबंधों को लेकर है। प्रेम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेम किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है तो किसी के लिए पतन का कारण भी बन जाता है। इस विषय को गहराई से समझते हैं पंडित अरविंद तिवारी से। देखिए प्रेम संबंधों में यदि आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा है, आपके ऊपर विश्वास करता है और आपको लगातार वो मदद करता रहता है मानसिक रूप से। देखिए एक मानसिक समर्थन यदि आपको किसी से मिल रहा है तो कई बार बहुत सारे लोगों में जिनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है तो ऐसे लोग आत्मविश्वास से परिपूर्ण लवरेज हो जाते हैं। उनका पूरा जीवन बहुत शानदार बीतता है। और सबसे बड़ी बात देखिए यदि आपको एक उचित पार्टनर मिले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो हमेशा एक प्रेरणा देकर हमारे सम्मुख आता है। ऐसा कहा जाता है एक सफल मनुष्य के पीछे, पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ठीक उसी प्रकार से एक सफल स्त्री के पीछे भी एक पुरुष का हाथ माना जाता है, क्योंकि दोनों जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि एक दूसरे को आप समर्थन करें, साथ दें एक दूसरे का, तो निसंदेह दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणाकारक चीज है। और यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपका प्रेम सहयोगी है, वो आप पर अविश्वास करता है, आज के दौर में कुछ चीजें देखने लायक होती हैं।
जब भी प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो वो एक दूसरे का मोबाइल चेक करने में लग जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे अलावा किसी और से भी बातचीत में लगे हुए हैं। तो ये भी एक प्रकार के अविश्वास का कारण होता है। व्हाट्सएप चैट जो बड़ा इंपॉर्टेंट आज के दौर में हो गया है, क्योंकि जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं तो वो एक दूसरे का व्हाट्सएप चेक करवाते हैं, भाई कुछ लोगों की सहायता लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप मेरे अलावा किसी और से भी जुड़े हुए हैं। तो ये आज के दौर का एक प्रेम संबंधों का एक नया दौर है, जिसमें साइबर खासतौर से जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के जातक यदि आपके जीवन में आते हैं जो आपका मोबाइल चेक करें, आपकी बात को ना सुने, आपके ऊपर पूरी तरह से अविश्वास करें, और कई बार आपको क्रॉस चेक करने की कोशिश करती है, आपके कॉल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है अमूमन कि आप बताओ आपने दिन भर में किस किस से बात की, अभी आपका विवाह नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही इतना अविश्वास है, एक दूसरे को लगातार आप टोकते रहते हैं, नहीं तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने इस प्रकार से मेरे से बात करती हो या करता हो, तो इस प्रकार की जो बातचीत होती है ये प्रेम संबंधों में अविश्वास का बहुत बड़ा कारण बनती है, और जिसके चलते कई बार प्रेम संबंध बीच में ही विच्छेद हो जाते हैं। तो आज के दौर में यदि आपको प्रेम संबंध चिरस्थायी बनाना है तो सबसे पहला जो नियम है वो है आप अपने प्रेम संबंधों में विश्वास कायम करें। और कुंडली में यदि आप इस चीज को देखें, चूंकि हम ज्योतिष के कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो कुंडली में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत है तो इस प्रकार की अविश्वास जैसी स्थितियां निर्मित नहीं होती। वहीं यदि बुध और शुक्र कमजोर हो और चंद्रमा भी खासतौर से बहुत कमजोर स्थिति में बैठा हो तो जातक लगातार अपने पार्टनर के ऊपर अविश्वास करता रहता है, जिसके चलते इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और अमूमन इस प्रकार की स्थितियों से दोनों के बीच में आजकल जो सबसे बड़ा एक शब्द इस्तेमाल होता है प्रेम संबंधों में, उसको कहा जाता है ब्रेकअप। आज से मेरा आपसे ब्रेकअप हो गया है, तो वो तुरंत कह देता है और फिर दोनों का मन टूट जाता है, वापस मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मेल मिलाप नहीं हो पाता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, धागे में एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर उस गांठ को ठीक नहीं किया जा सकता, वो गांठ मन की हमेशा बनी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप अपने प्रेम संबंधों में अपने ग्रहों के हिसाब से आप आगे बढ़े। आप चाहे तो हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से भी हमसे जान सकते हैं कि क्या आप प्रेम संबंधों में सफल हो सकते हैं या नहीं सफल हो सकते, ये भी हम आपको ज्योतिष के माध्यम से बताएंगे। तो ये प्रेम संबंधों के लिए बेहद आवश्यक है। बिल्कुल पंडित जी, प्रेम संबंध पर भविष्य की पूरी बागडोर टिकी होती है। यदि संबंधों में दरार आ जाए तो जीवन नीरस लगने लगता है। शायद दर्शक मेरी इस सवाल से सहमत होंगे। पंडित जी, क्या प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए भी कुंडली मिलाई जाती है? बिल्कुल, आज के दौर में एक नया ट्रेंड प्रारंभ हुआ है कि बहुत सारे ऐसे युवक और युवतियां हैं वो जब भी प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपने प्रेम सहयोगी से उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पता करते हैं और एक प्रकार से कुंडली मिलान कराना चाहते हैं कि क्या हमारे प्रेम संबंध चिरस्थायी होंगे अथवा नहीं होंगे, या कई बार उनकी कुंडली का मिलान कम हो पाता है तो वो संबंधों को बीच में ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ज्योतिष की आजकल प्रेम संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस प्रकार से आप यदि करते हैं तो निसंदेह आपके प्रेम संबंध न केवल चिरस्थायी होंगे अपितु लाभकारी भी साबित होंगे। बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए क्या कहता है आज का दिन। देखिए, आज तुला राशि वाले जातकों का समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में न केवल उनका कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा अपितु उनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आप दशम भाव में खासतौर से आज चंद्रमा का गोचर है जो कि आपके कामकाज को और भी बेहतर बनाएगा, और प्रेम संबंधों को लेकर बातचीत कर रहे तो प्रेम संबंधों में निसंदेह सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अगली राशि की हम बात करेंगे, अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन, ये भी हम बताते हैं। देखिए, आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव, पंचम भाव में भाग्य स्थान में है, तो भाग्य स्थान में बने हुए शुभ ग्रह गोचर न केवल आपके मन को प्रसन्न रखेंगे, आपके जीवन में आ रहे अवरोधों को दूर करेंगे, परंतु आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि यात्रा सोच समझ कर करें और जरूरी निर्णय आज की बजाय एक दो दिन बाद ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, अगली राशि है धनु राशि। तो कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का समय, ये भी मैं अपने दर्शकों को बतला देता हूँ। जितने भी जरूरी काम काज है उनको आज बहुत सोच समझ कर करें,
मन आज आपका थोड़ा प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज को लेकर थोड़ा सा तनाव रह सकता है। आज बात कर रहे हैं प्रेम संबंधों की, तो आज आप अपने प्रेम सहयोगी से थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, और जितने भी जरूरी कामकाज हैं उनको आप सोच समझ कर करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, अगली राशि है मकर राशि। तो कैसा रहेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, ये भी मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। आज चंद्रमा का गोचर सम सप्तम भाव में है, तो आज प्रेम संबंधों की हम बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत शानदार है, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, लाभ की स्थिति आपके कामकाज में बनी रहेगी, जितने भी जरूरी कामकाज हैं उनको आज शाम तक आप अवश्य संपन्न कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। तो कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, ये भी मैं अपने दर्शकों को आज बतलाना चाहूंगा। तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बेहतर बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज छठे भाव में चल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, तो आप इस अच्छे दिन का भरपूर लाभ लें। अंतिम राशि यानी मीन राशि की मैं बात कर लेता हूँ। आज मीन राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का चंद्रमा जातक को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन यानी मानसिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा बनाता है, तो आप प्रयास करें ताकि आने वाले दिन आपके लिए बेहतर हो। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, तो आज आप प्रेम सहयोगी से ना ही मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, और आने वाले दिनों की आप कार्य योजना बना लें, निसंदेह आपको उस क्षेत्र में अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, कार्यक्रम के अंत में एक सवाल और है आपसे, प्रेम संबंधों में अगर किसी तरह की बाधा आ रही है तो उसे कैसे दूर करें, और साथ ही कुंडली में अगर प्रेम संबंध योग है तो फिर वो कैसे बनता है? देखिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, प्रेम संबंधों में आ रही बाधाओं को कैसे दूर करें। तो कुंडली में जो प्रेम संबंधों का भाव होता है वो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव से हम लोग निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से प्रेम संबंध हमारे मजबूत होंगे और प्रेम संबंधों में हमको लाभ की प्राप्ति होगी। तो सप्तम भाव के ग्रह को यदि हम मजबूत बना ले, सप्तम भाव में जो भी राशि पड़ी हो उस राशि के स्वामी को हम मजबूत बना ले, और दूसरा प्रेम संबंधों में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। एक बहुत ही सुंदर उपाय मैं बताना चाहूंगा, एक मोती रत्न आता है, एक विशेष प्रकार का मोती होता है जो कि जिसको हम साउसी मोती भी कहते हैं। यदि इस मोती का वजन लगभग 12 से 14 रत्ती का हो, सीधे हाथ की तीसरी उंगली जो कि प्रेम संबंधों के भाव यानी शुक्र की उंगली भी कही जाती है, उसमें चांदी सोने या अष्ट धातु में जड़वाकर आप इसको धारण करेंगे तो प्रेम संबंध न केवल आपके मजबूत बनेंगे अपितु आपको आपके जीवन में बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, कार्यक्रम का हमारे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है आज, उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में पंडित जी द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी लोग सहमत और संतुष्ट होंगे। इसी के साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। भाग्य समाधान के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।